तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने घर में पावर स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कैसे करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, मेरे हाथ में एक स्विच बोर्ड है जिसमें एक स्विच लगा हुआ है पावर का और एक सॉकेट लगा हुआ पावर का। दोनों की रेटिंग 16 एम्पेयर की है। देखिए, इसे बैक साइड से देखते हैं। ये हमारा सॉकेट है पहला वाला, और बगल में ये स्विच है। इस सॉकेट के 3 टर्मिनल दिए गए हैं और इस स्विच के 2 टर्मिनल दिए गए हैं इसके कनेक्शन करने हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वायर का टुकड़ा ले लेते हैं। जैसे कि मैंने एक छोटा सा वायर का टुकड़ा ले लिया। इस वायर के टुकड़े को हमें स्विच और सॉकेट दोनों से कनेक्ट करना है। देखिए, पहला जो इसका एंड था वो हमने एक सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल पर लगा दिया। इस वायर टर्मिनल पर लगा देते हैं, ये कनेक्ट हो गया। अब दूसरा जो इसका साइड है उसको हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। देखिए, कनेक्ट हो चुका है ये वाला वायर। ये हमने एक सॉकेट से लेके एक स्विच में कनेक्ट कर दिया था इसे। अब एक वायर ले लेते हैं जो हमारी मेन सप्लाई है। ये रेड वायर हमें फेस के लिए यूज़ करना है और ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए। तो पहले फेस वाले वायर को हम क्या करेंगे, स्विच में कनेक्ट करेंगे। जो नीचे वाला टर्मिनल बच गया था हमारा, इसमें लगा देंगे। प्रॉपरली लगाना है हमेशा। जो हमारा फेस होता है, फेस को हम स्विच से कनेक्ट करते हैं। ये हमारा कनेक्ट हो चुका है फेस। अब हमें जो दूसरी वायर जो न्यूट्रल की थी उसे हमें इस सॉकेट में लगा देंगे, जो एक टर्मिनल हमारा नीचे का रह गया था। देखिए, हमारा न्यूट्रल इस सॉकेट में कनेक्ट हो चुका है। अब जो ऊपर वाला टर्मिनल रह गया इसका सॉकेट का, इसमें हमें अर्थिंग लगानी है। अगर आपके घर में अर्थिंग आ रही तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं आ रही तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हमारा ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है इसका, आप भी अपने घर में इजीली कर सकते हैं। चलिए, अब इसे चेक करके देख लेते हैं कि हमारे वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसे चेक करने के लिए एक एक्सटेंसर बोर्ड ले लेते हैं। अब इसकी मेन सप्लाई हम कनेक्ट कर देते हैं इसमें। अब इस बोर्ड में सप्लाई आ गई है। अब हम ये बल्ब चेक कर लेंगे कि हमारा जो बोर्ड है जो हमने कनेक्शन किया है वो ठीक है कि नहीं है। इन दोनों वायर को लगा देते हैं इसमें, सॉकेट में ऑन कर देता हूँ, देखते हैं। देखिए, बल्ब जल चुका है, ऑफ कर देता हूँ। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, बल्ब जल चुका है, ऑफ कर देता हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है। आप भी इजीली अपने घर में स्विच सॉकेट का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको कनेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार फिर दोबारा इसके बैक साइड में देख लेते हैं। देखिए, खाली हमें 3 वायर लगाने, एक फेस का वायर जो हमारे स्विच से कनेक्ट हो गया और एक सॉकेट स्विच से कनेक्ट करना, और एक जो न्यूट्रल की वायर थी उसे हम सॉकेट में कनेक्ट करना है। बस इतना ही करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।